राजघाट थाना क्षेत्र के पांडेहाता में कपड़े की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल के 4 वाहन घटनास्थल पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना बताई जा रही है। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलने पर जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने भी घटनास्थल पर जाकर निरीक्षण किया। संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए फायर सर्विस से शांतनु यादव ने कहा, हम लोगों को जैसे ही आग की सूचना मिली, हम लोग तत्काल फायर स्टेशन गोलघर से पहले 2 गाड़ियां लेकर के आए। रास्ते में बहुत जाम था, साइन बजाते हुए हम लोग ट्रैफिक पुलिस की मदद मांगते हुए लोगों ने रास्ता क्लियर किया और रास्ता क्लियर करके हम लोग यहाँ पर घटनास्थल पर पहुँचे। जैसे पहुँचे तो एक गाड़ी से हम लोग होज पाइप फैला करके और आग को बुझाना शुरू किए, तो उसमें धुआँ बहुत ज़्यादा था, तो धुएँ के लिए हमारी टीम ऊपर जा करके और दरवाज़ा खोल करके वेंटिलेशन किए और आग बुझाने का प्रयास करते रहे। फिर इसके बाद एक दरवाज़ा कहीं से बताए जो यहाँ के मालिक थे कि यहाँ से टूट सकता है, तो उस दरवाजे को बहुत आसानी से खोला गया और फिर हमारी टीम अंदर गई, अंदर जा कर के आग को बुझाई। आग को बुझाने के बाद यह मालूम हुआ इनका एक टामी नामक डाग जो है अंदर फंसा हुआ है, तो जो लड़का उसका बहुत प्रिय था उसको लेकर के हमारी टीम अंदर गई और उस डाग को भी बाहर लेकर के आई। तो हमारी कुल लगभग 4 गाड़ियाँ लगी और बहुत आसानी से आग को बुझा दिया गया। केवल जो है आग बुझाने में दिक्कत यह हुई कि घटनास्थल पर हमारी गाड़ी डायरेक्ट नहीं पहुँच पाई, तो इसलिए हम लोगों को होज पाइप जो है 3 होज पाइप ले जा करके वहाँ फैला करके आग को बुझाना पड़ा। सर कितने घंटे लगे आग बुझाने में? हम लोगों का लगभग मान के चलिए 1 घंटा लगा। तो ये आग तो बहुत बड़ी नहीं थी। क्या कुछ अनुमान है, क्या अभी आगे में क्या कुछ घटना हुई है या कितने का? इनकी चूँकि साड़ी की दुकान थी, उसमें साड़ी की दुकान थी, साड़ी की कढ़ाई का भी काम करते थे, तो यह इनके घर से बाहर था, जो शटर लगाकर एक छोटी सी दुकान बनाए थे उसी में था, और जो हम लोगों ने देखा कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई थी। तो चूँकि आग जब लगी तो उसमें जो डाग था उसी ने जो है डिटेक्ट किया और वही चिल्लाया, वो भौंकने लगा, तो लोगों ने जान लिया कि आग लगी हुई है। सर ये दिन में हुई, अगर कभी रात होती तो बड़ी घटना हो सकती है? नहीं, रात में बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोगों का अप्रोच जल्दी हो जाता, क्योंकि रोड पे इतनी ट्रैफिक है, ट्रैफिक है जो बेतिया हाथा जा जान रहे हैं, बड़ा कंजेस्टेड एरिया है, तो ट्रैफिक के माने भीड़ के नाते थोड़ा सा लेट हो सकता था। बंद होता है यहाँ का मार्केट, हमने तो पैदल चलना भी मुश्किल होता। हाँ एकदम आज मार्केट बंद थी, इस वजह से हम लोगों का अप्रोच जल्दी हो पाया। कमरे में केवल एक छोटा सा था, जो दुकान थी उसी में आग थी, धुआं ज़्यादा था, धुआं पूरे मकान में फैल गया और धुआं बहुत दूर से जो है दिखाई पड़ रहा था, इसलिए लोगों को लग रहा था कि आग बहुत बड़ी है, जबकि आग इतनी बड़ी नहीं थी। कोई कैजुअल्टी नहीं हुई।